हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ लेसन नंबर 12 ईवीएस 1 फूड फॉर ऑल। पेज नंबर इज 61। सो डायरेक्टली शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। अब फूड स्टोरेज कैसे होता है और हमारे एनवायरमेंट यानी हमारे क्या बोलेंगे परिसर को भी किस तरह से अच्छे से रखना है। लाइक ह्यूमंस अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो स्टोर फूड, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। अब देखिए, हम जैसे फूड स्टोर करते हैं ना, वैसे ही इन जो लिविंग थिंग्स होते हैं, दूसरे लिविंग थिंग्स, कुछ क्रिएचर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी फूड अपना जो है वो स्टोर करके रखते हैं। और वो करने का उनका तरीका अलग अलग होता है। इंसेक्ट्स लाइक एंट्स स्टोर फूड, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इंसेक्ट्स आपने देखा होगा कि किस तरह से चींटियां वगैरह भी थोड़ा थोड़ा मुंह में लेके जाती है ना, कुछ भी जो भी मिलता है उनको खाने के लिए। बीज जो होते हैं वो नेक्टर यानी शहद जो होता है फूल से, नेक्टर जो निकलता है, मीठा मीठा सब्सटेंस रहता है ना फूल में, वो लेते हैं और वो स्टोर करके रखते हैं। एंड स्टोर इट इन अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब देखा होगा आपने, किस तरह से शहद बीज जो है वो स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ हनी। स्क्विरल्स स्टोर सीड्स। स्क्विरल्स को भी देखा होगा, सीड्स स्टोर करके रखते हैं। बिकॉज दिस एनिमल स्टोर फूड, इट इज अवेलेबल टू देम व्हेन दे नीड इट। और ये स्टोर करके क्यों रखते हैं, क्योंकि जब उनको जरूरत है खाने की वो खा सकें। ऑल द टाइम प्लांट्स आर बिजी प्रोड्यूसिंग द फूड दे नीड। प्लांट्स भी अपना फूड प्रोड्यूस करते रहते हैं दिन भर। इवन सो देयर आर सम प्लांट्स दैट स्टोर फूड। फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो स्टोर करके रखते हैं। यू आर फैमिलियर विथ बल्ब्स ऑफ प्लांट्स सच एज अनियंस, गार्लिक एंड ट्यूबर्स सच एज पोटैटोज, जिंजर एक्सेट्रा। दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। आपने देखा होगा कि अनियंस, गार्लिक वगैरह ये प्लांट्स आपने देखे होंगे, वो क्या होते हैं, स्टेम का ही पार्ट होते हैं। रेडिशेज, स्वीट पोटैटोज, बीटरूट्स आर द रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स। और ये जो है रेडिश जो है पोटैटोज है, आपने देखा होगा कि ये रूट्स होते हैं। दिस प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम और रूट्स। और ये जो प्लांट है ये अपने स्टेम में फूड स्टोर करके रखते हैं, या तो फिर अपने रूट्स में फूड स्टोर करके रखते हैं। वी टू स्टोर फूड इन आ हाउस अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमारे घर में भी हम स्टोर करके रखते हैं। इन इंडिया ड्यू टू द इम्प्रूव मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन वी नो प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन्स। हमारे यहाँ भी नई नई टेक्निक आई है कल्टिवेशन की, तो उसके जरिए अच्छा खासा अनाज हमारे यहाँ होता है। द प्रोडक्शन एक्सीड्स द डिमांड। और जितना प्रोडक्शन होता है वो डिमांड से भी ज़्यादा होता है, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ होता है। द सरप्लस फूड ग्रेन इज स्टोर्ड इन ह्यूज वेयर हाउसेस। अब जो बचता है अनाज, यानी पूरा सेल होने के बाद जो बचा हुआ अनाज होता है वो वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। वेयर हाउस यानी गोदाम टाइप नहीं रहता कि जहाँ पे स्टोर किया जाता है। समटाइम्स प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय अ डिजास्टर सच एज फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन और हेलस्टॉर्म। कभी कभी प्रोडक्शन जो है यानी कल्टीवेशन ठीक से हो नहीं पाता, क्योंकि फ्लड होता है, फ्लड यानी बाढ़ जब आती है या सूखा पड़ता है या कभी तूफान आता है, तो इसके कारण क्या होता है, खेत में नुकसान होता है। एट सच टाइम्स द स्टोर्ड सरप्लस ग्रेन कैन बी यूज फॉर द पीपल। तो ऐसे टाइम में प्रोडक्शन जब कम होता है तब ये जो बचा हुआ जो अनाज हम स्टोर करके रखते हैं वो हमारे काम में आता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम ये स्टोर करके नहीं रखेंगे, सड़ने देंगे, तो क्या होगा, वो हमारे काम में नहीं आएगा। और जब हमें ज़रूरत रहेगी, जिस साल अनाज अच्छे से नहीं आएगा मार्केट में, जिस साल ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उस साल हमें फिर खाने के वांदे हो जाएंगे, है ना, हमको खाने पीने के लिए अच्छे से नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो जो बचा हुआ अनाज होता है पूरा बेचने के बाद जो बचा हुआ रहता है, सरप्लस यानी जो बचा हुआ होता है, तो वो हमें यहाँ पे यूज़ करने को मिलता है। विजिट टू अ फेयर प्राइस शॉप। विजिट अ फेयर प्राइस शॉप टू अंडरस्टैंड रेशनिंग सिस्टम। फेयर प्राइस शॉप आपने देखा होगा, राशन की दुकान होती है ना, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हो
और वहाँ पे कौन सा अनाज अवेलेबल है और किस किस टाइप के रेशन कार्ड्स बनते हैं, ये आप वहाँ से जानकारी ले सकते हो। द ग्रीन रिवॉल्यूशन। टुडे आवर कंट्री इज सेल्फ रिलायंट एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज कंसर्न। हमारी कंट्री में सारे तरह का ग्रेन, सब तरह का ग्रेन हमें मिलता है। प्रोडक्शन यहाँ पे हमारे कंट्री में ही होता है, हमें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट द सरप्लस ग्रेन। और जो भी ज़्यादा अनाज उगता है, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर बचता है, तो बचा हुआ हम दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट करना यानी यहाँ से दूसरी कंट्री में भेजना, और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री वॉज अचीव ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो है, ये इतना ज़्यादा इंक्रीज कैसे हुआ, कब हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद ये प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। इट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट पीपल वर्किंग फॉर द स्प्रेड ऑफ साइंस एंड फार्मर्स। तो ये किसके कारण हुआ था? जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोज की किस तरह से अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है, फार्मर्स को किस तरह से हेल्प की जा सकती है एग्रीकल्चर में, और ये सब सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन्होंने नए नए टेक्निक्स डेवलप किए, और उन टेक्निक्स के कारण ही हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। द क्रेडिट फॉर द रिसर्च दैट लेड टू इम्प्रूवमेंट इन द सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस दैट रिजल्टेड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया गोज टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये देखिए उनकी फोटो है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो करवाया था, यानी उनके रिसर्च के कारण ही व्हीट और राइस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी, उसके प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आई थी। फूड सिक्योरिटी। फूड इज़ अ बेसिक नीड। मेनी कंट्रीज हैव मेड लॉज टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट सफिशियंट फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब देखिए, फूड जो है सबकी ज़रूरत होती है, बिना खाए तो कोई रहता नहीं है। तो कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि हर इंसान को खाना मिल सके। दिस लॉज आर नोन एज फूड सिक्योरिटी लॉज। और ये जो नियम बनाए गए हैं, लॉज यानी नियम, ये जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाया गया है, लॉज मतलब कानून, तो उसे ही बोला जाता है फूड सिक्योरिटी लॉज। इन 2013 आवर कंट्री टू एनेक्टेड अ फूड सिक्योरिटी लॉ। 2013 में ये फूड सिक्योरिटी लॉ बना था। इट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू फाइट इल्स लाइक माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन एंड डेथ्स ड्यू टू हंगर। तो इससे क्या हुआ, ये लॉ बनने के कारण हर किसी को खाना मिलने लगा, और खाना मिलने से क्या हुआ, जो माल न्यूट्रिशन यानी जिनको वो अच्छे से खाना नहीं मिलता है, तो वो अशक्त हो जाते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं रहती है, और फिर उससे उनकी डेथ भी हो जाती है, और खाना ना मिलने के कारण वो भूखे रहते हैं, और भूखे रहने से क्या होगा कि उनकी हेल्थ जो है वो बिगड़ने लगेगी, और हेल्थ ख़राब होने से उनकी डेथ भी होती है। तो इसीलिए खाना सबको मिलना ज़रूरी है, ये सबका अधिकार है, और इसीलिए ये कानून बनाया गया था, फूड सिक्योरिटी लॉ, जिसके ज़रिए सबको खाना मिलने लगा। एग्रीकल्चरल असिस्टेंट प्रोग्राम। थ्रू दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इरीगेशन फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड सील्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। अब देखिए, ये कौन सा प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर असिस्टेंस, यानी जो एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स होते हैं, यानी खेती बाड़ी करने वाले लोग जो होते हैं, उनको गाइडेंस करना, यानी कुछ अनपढ़ होते हैं, उनको समझता नहीं है कि किस तरह का खाद यूज़ करना है, कौन से सीड्स यूज़ करने हैं, और इरिगेशन किस तरह से करना है, पानी कैसे देना है खेत में, वो सब टेक्नोलॉजीज जो है वो उनको बताई जाती है, उनको समझाया जाता है। दे कैन ऑल्सो गेट वेदर फोरकास्ट एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज असिस्टेंस सेंटर्स। और उनको वेदर के बारे में भी बताया जाता है, जानकारी दी जाती है कि कौन से वेदर में क्या करना चाहिए, और वेदर कैसे रहने वाला है, किस तरह की खेती आपको करनी है, ये सब उनको बताया जाता है, उनको गाइडेंस किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे फ़ोन पे ये बात कर रहा है ना किसान, अ फार्मर आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल असिस्टेंट सेंटर। ये जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट सेंटर बनाया गया है, जहाँ से किसान को सारी जानकारी मिलती है,
वहाँ पे फोन पर भी ये जानकारी मिल सकती है। तो ये बहुत इजी हो गया है किसान के लिए, जो भी जानकारी उनको चाहिए वो फोन पे उनको मिल जाती है। इन एडिशन एग्रीकल्चरल स्कूल्स हैव ऑल्सो बीन स्टार्टेड फॉर फार्मर्स। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी हैं आजकल, जहाँ पे एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाता है उसके बारे में उनको पढ़ाया जाता है। मेंबर्स ऑफ अ फार्मर्स फैमिली कैन लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज एट दिस स्कूल्स। स्कूल्स भी बनी हैं जहाँ पे फार्मर के घर के लोग भी वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज होल्ड एग्जीबिशंस टू फॉर फार्मर्स। फार्मर के लिए अलग अलग एग्जीबिशन भी होते हैं जिसमें उनके लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल की जाती हैं। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज टेलीविजन न्यूज़पेपर एंड वेरियस पीरियोडिकल्स वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। आपने टीवी पर भी देखा होगा ऐड आती है ना, फ़ोन पे ही सारी जानकारी मिलती है, तो इस तरह की ऐड आती रहती हैं, तो न्यूज़पेपर में भी आती है, टेलीविजन पे या मैगजीन्स में भी ये सब आता रहता है ताकि किसान तक ये बात पहुँचे। नाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल फार्मर्स टू यूज़ दिस मॉडर्न मेथड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और ये सारे फार्मर्स को अभी पॉसिबल हो चुका है कि किस तरह से मॉडर्न मेथड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में यूज़ करनी है। द होल कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एफर्ट्स। और इसका जो फ़ायदा है ये पूरे कंट्री को होने वाला है। सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए, आपने ये वर्ड सुना होगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, जिसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन नेचुरल मटेरियल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें बिल्कुल भी केमिकल्स यूज नहीं होते हैं, सब नेचुरल चीज़ें यूज होती हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल, जैसे पुराने ज़माने में कोई केमिकल्स नहीं थे और नई टेक्निक भी नहीं थी, तो उस ज़माने में जो एग्रीकल्चर होता था वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कुछ लोग यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन दिस मेथड द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इन द सॉइल आर रिटेन। इसमें क्या होता है, जो सॉइल में न्यूट्रिशन वाले सब्सटेंस होते हैं उनको वैसे के वैसा बनाए रखा जाता है। द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज इन दिस मेथड हैव नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दोज हु ईट द प्रोड्यूस। इससे क्या होता है, वो जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ना, जैसे कीड़ों को दूर रखने के लिए जो फवारे यूज़ होते हैं या दवाई मारी जाती है, वो ऑर्गेनिक ही होती हैं, जिससे खाने वाले को नुकसान नहीं होता है। द ग्रेन्स ग्रोन बाय दिस मेथड इज़ न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो गुड फॉर द टेस्ट। तो इस तरह से उगाया हुआ अनाज हो या जो भी चीज़ है, वो न्यूट्रिशियस तो होती ही हैं और टेस्ट में भी अच्छी होती हैं। दैट इज़ वाई फार्मर्स हैव बिगन टू ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स। और इसीलिए आजकल फार्मर्स भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैन्यूअर ऑप्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैन्यूअर जो यूज होता है, पहले ही हमने देखा है नेचुरल मैन्यूअर, नेचुरल फर्टिलाइजर जो होता है वो किससे बनता है, प्लांट्स जो होते हैं उसके पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते, और एनिमल डंग जो होता है वो यूज होता है। दिस मैन्यूअर्स कंसिस्ट ऑफ फिश एंड बोन मील्स एनिमल एक्सक्रेटा एज वेल एज डीकम्पोज रिटेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें फिश और बोन मील्स, एनिमल के एक्सक्रेटा यानी जो डंग है वो, ये सब चीज़ें उसमें यूज होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर क्रॉप्स शुड बी वाटर ओनली एज मच एज नेसेसरी। क्रॉप्स को उतना ही पानी देना चाहिए जितना ज़रूरी है। केयर शुड बी टेकन वैन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देयर ओवर यूज शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स जो दवाई मारी जाती हैं वो भी कम करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही। देर आर टू मेन एग्रीकल्चरल सीजन्स। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी इस लेसन में, मेन पॉइंट्स, द खरीफ एंड द रबी सीजन। दो ही सीजन होते हैं एग्रीकल्चर के, खरीफ एंड रबी। यूजिंग इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जो इम्प्रूव मेथड हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के, उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। फार्मर्स कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थ्रू एग्रीकल्चरल असिस्टेंट प्रोग्राम। फार्मर्स को एग्रीकल्चर की सारी जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चरल असिस्टेंट प्रोग्राम से मिलती है।
सो यहाँ तक हमारा ये लेसन ख़त्म हो रहा है। अगले पीरियड में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भेजूँगी। ओके सो टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।